राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करवाने और खुलकर हरियाणा में भ्रष्टाचार करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा के कांग्रेस भवन में बीजेपी और जेजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करवाने और खुलकर हरियाणा में भ्रष्टाचार करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने हाईकोर्ट द्वारा 75% आरक्षण को रद्द करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कानून में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने जानबूझकर खामियां छोड़ी थी और सरकार ने इस केस में ढंग से पैरवी भी नहीं की थी, इसलिए हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है। वहीं दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस 17 दिसंबर को सिरसा किसान मजदूर आक्रोश रैली करेगी। ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए जेजेपी ने जाकर समर्थन दिया और देश प्रदेश में भ्रष्टाचार की छूट मिले, महकमे मिले, एक्साइज, शराब, किसी के पास माइनिंग जाए, किसी के पास पंचायती रहे, तो ये महकमे मिले और उन महकमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जाए, इस आधार पर गठबंधन जेजेपी ने किया, इस आधार पर समझौता हुआ है। जो दो बातें उन्होंने कही थी वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की वजह से और 75% निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से हम ये समर्थन दे रहे हैं। आज 4.5 साल के बाद ना तो 5100 पेंशन का कहीं कोई नाम है और ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी या तो कानून इस नियत से बनाया गया था कि कानून चलने वाला नहीं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी की चाबी अब खराब हो गई है, इससे कहीं पर भी कोई भी ताला खुलने वाला नहीं। उन्होंने जेजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जेजेपी पूरी तरह से स्वतंत्र पार्टी है, राजस्थान के अलावा दक्षिण भारत और अमेरिका में चुनाव लड़ सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि जेजेपी ने मतदाता से लेकर खिलाड़ियों, बुजुर्गों और युवाओं को धोखा दिया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी की तुलना कानपुर की ठग्गू के लड्डू से की है। हरियाणा में जेजेपी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइजी है। उन्होंने कहा कि जेजेपी का यही मकसद है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये ठग्गू के लड्डू की पहचान है। एक कानपुर में एक दुकान है, मिठाई की दुकान है, लड्डू बड़े फेमस है वहां के, और वो दुकान है उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, ठग्गू के लड्डू, और तो नीचे लिखा हुआ है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये जो जेजेपी है ये उन ठगों के लड्डू की फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आए थे, वो हरियाणा फ्रेंचाइज पिट गई, अब राजस्थान गए, राजस्थान वाले लोगों ने भी डाले ठगू के लड्डू की, तो यहां भी जो है अब इसके बाद वो तमिलनाडु जाए, अमेरिका जाए, फ्रांस जाए, यूरोप जाए, जापान जाए, तो आप उनसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे। बहरहाल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी जेजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने खुलकर भ्रष्टाचार करने के लिए बीजेपी से गठबंधन किया, साथ ही उन्होंने जेजेपी की तुलना कानपुर की ठग्गू के लड्डू से की। सिरसा से टोटल न्यूज के लिए सत्यनाम सिंह की रिपोर्ट।